किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? नौसेना, जूली लद्दाख नौसेना। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, फ्रेंच में नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2020 ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? केरल। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? IIT मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदल गया अहिल्याबाई होलकर रखा गया है? अहमदनगर का अहिल्याबाई होलकर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सावले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहला प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सावलो। मैन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। मैन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालिका प्रतियोगिता में बिहार किस टीम के फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? राजस्थान। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? राजस्थान। भारत की T20 अध्यक्षता के तहत दो दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? भोपाल। भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता के तहत दो दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पुणे में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पुणे में। हाल ही में महिला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु में किस शहर में? महाबलीपुरम। महिला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के वह महाबलीपुरम। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया है? एशिया कप 2023 का पाकिस्तान और श्रीलंका में। अच्छा, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश। जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेंगे? कर्नाटक। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोध कानून को समाप्त करेंगे? कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया गया? तेलंगाना। 2 जून 2023 भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तेलंगाना। इम्पोर्टेंट, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है? बुल्गेरिया। जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? बुल्गेरिया। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? केरल। फिर DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? उड़ीसा। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? कितने वर्षों के बाद? 27 वर्षों के बाद 23 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ओमान के कारे। भारत फ्रांस और UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास ओमान के कारे में।
जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत के कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 15 पदक के साथ पहला स्थान। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 15 पदक। अरब सागर में उठे साइक्लोन विपर्जॉय, साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा है? विपर्जॉय से बांग्लादेश, विपर्जॉय बांग्लादेश, बी से बीवर और बी से बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय अमेरिको को हैवर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? रितु काला। भारतीय अमेरिकी के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? रितु काला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन से इस पर है? IIT मद्रास। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन से इस पर रहा है? IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? डेनिस फ्रांसिस। महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? असम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? असम में। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? टाटा ग्रुप। हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग की का फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन द येल्लो स्टार से सम्मानित किया गया है? सुरीना। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येल्लो स्टार से सुरीना द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं। ये भी इम्पोर्टेंट, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तथस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र में। भारत का पहला कार्बन तथस्थ गांव कहाँ विकसित किया? भिवंडी महाराष्ट्र में। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? RBI। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? RBI। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? चीन में। 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना शुरू की है चीन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल हिंदी नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? सऊदी अरब। अल मोहद अल हिंदी योजना सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? नेपाल। 2025 को विशेष पर्यटन दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया है नेपाल। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करोना शुरू किया? राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करोना शुरू किया है म्यांमार में। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कमेडियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी नहीं सॉरी कंपेनियन कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया? फिजी लिखा है तो फिजी सही होगा। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? IPL 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग।
फिर हाल ही में सॉरी किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज किया है तेलंगाना। किस देश ने टैफून लॉन्च किया है जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है? तुर्की। किस देश ने टैफून लॉन्च किया जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है? तुर्की। हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रियाना बन्नावी। जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रियाना बन्नावी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राष्ट्रीय पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता? डैनियल मेदवेदेव। इटालियन ओपन का खिताब जीता है डैनियल मेदवेदेव। हाल ही में किसे भारतीय सेना के लिए मास्टर जनरल सस्टिनेंस के रूप में नियुक्त किया? मास्टर जनरल सस्टिनेंस अमरदीप सिंह ओजला। मास्टर जनरल सस्टिनेंस अमरदीप सिंह ओजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल। केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में सिद्धरमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक। सिद्धरमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया? 16 मई को डेंगू के लिए। 16 मई को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया? सिक्किम में 16 मई को। सिक्किम। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO किसे नियुक्त किया गया? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO लिंडा याकारिनो। IPL में अब तक सबसे तेज और शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल। IPL में अब तक सबसे तेज और शतक लगाने वाले बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आलिया भट्ट। फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली इंडियन नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आलिया भट्ट। हाल में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? नारूमोल चाइवेई। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? नारूमोल चाइवेई। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर मंथ जीता है? फखर जमान पाकिस्तान। फखर जमान। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है? पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता में। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा पुरस्कार पत्रकारिता में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर 161वां? 180 देशों में कौन से स्थान पर 161वां? हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? अतन कुमार दास के स्थान पर रजनीश कर्नाटक। फिर अब प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मैंने महाराष्ट्र और गुजरात का 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है।